हाय गाइस, दिस इज़ योमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में। लास्ट क्लास तक हमने पूरा प्राइमरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वो सारे चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो हैरो है, जो कि एक सेकेंडरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट है। सेकेंडरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट में हम जनरली दो इम्प्लीमेंट्स का डिस्कस करेंगे, एक हमारा हैरो हो गया और दूसरा होता है कल्टीवेटर। सो एज यू नो, हमारा ये वीडियो बायलैंग्वल होने वाला है। जो स्क्रीन में रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा हैरो, देन हैरो के बाद हम डिस्कस करेंगे कल्टीवेटर के बारे में। तो हैरो क्या होता है? अ हैरो इज एन इम्प्लीमेंट दैट कट्स द सॉइल टू ए शैलो डेप्थ फॉर स्मूथनिंग एंड पल्वराइजिंग द सॉइल, एज वेल एज टू कट द वीड्स एंड टू मिक्स मटेरियल्स विद सॉइल। अज यू नो कि जो हमारा हैरो है वो क्या है? आपका सेकेंडरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट है, तो जो इसका वर्किंग डेप्थ है वो क्या होगा? प्राइमरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट से कम होगा। इट मीन्स जैसे कि आपका जो प्राइमरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट था उसका जो वर्किंग डेप्थ था मोर देन 15 सेंटीमीटर था, तो जो सेकेंडरी ट्रिलेज इम्प्लीमेंट है इसका जो वर्किंग डेप्थ है वो बिलो 15 सेंटीमीटर होगा, या जनरली 5 to 15 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो जो हैरो होता है वो ऐसा इम्प्लीमेंट है जो सॉइल को कट करता है शैलो डेप्थ तक। इट मीन्स 15 सेंटीमीटर से कम में ही इसका क्या होता है, जो वर्किंग डेप्थ होता है, स्मूथ करता है सॉइल को और पल्वराइज करता है। और हैरो का जनरली अपन यूज जैसे वीडिंग वगैरह, जैसे जो फील्ड में आपका ग्रासेस वगैरह, या फिर वीड का मतलब होता है अनवांटेड क्रॉप। तो जो अनवांटेड क्रॉप है, जिस क्रॉप अनवांटेड प्लांट है जिसको आप नहीं चाहते, उसको कट करने के लिए, मिक्स करने के लिए भी जनरली सॉइल के साथ मिक्स करने के लिए अपन हैरो का यूज करते हैं। इट इज एन इम्प्लीमेंट यूज टू ब्रेक द क्लॉट्स आफ्टर प्लॉविंग, टू कलेक्ट ट्रेस फ्रॉम द प्लाउड लैंड एंड टू लेवल द सीड बेड। देखो जनरली क्या होता है, हम सबसे पहले प्राइमरी ट्रिलेज परफॉर्म करते हैं एमबी प्लाव के हेल्प से, हो चाहे वो डिस्क प्लाव हो, चीजल प्लाव हो, या फिर सब सॉइलर हो। तो जनरली क्या होता है, जब हम प्राइमरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट करते हैं तो जो सॉइल, जो बड़े बड़े क्लॉट्स रह जाते हैं ठीक है फील्ड में आपके, तो उस बड़े बड़े क्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए, कट करने के लिए क्या यूज होता है आपका? हैरो। इट मीन सेकेंडरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट, मतलब जनरली कोई भी सेकेंडरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट हो, हैरो हो या फिर कल्टीवेटर हो, तो आफ्टर प्राइमरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट, प्राइमरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट ऑपरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, आपका सेकेंडरी ट्रिलेज को फील्ड में परफॉर्म करते हैं। तो जो हैरो क्या होता है, सबसे पहला एक सेकेंडरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट है, दूसरा ये एक सैलो डेप्थ पे वर्क करता है, तीसरा वीड वीड को कट करता है और सॉइल के साथ मिक्स करता है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको आप अपने माइंड में रखना, जो लार्ज साइज के क्लॉट्स होते हैं आफ्टर प्राइमरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट्स ऑपरेशन, तो उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। और सीड बेड, जो सीड बेड प्रिपरेशन है, मेन एम हमारा यहाँ पर ये होता है सेकेंडरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट का, सीड बेड प्रिपेयर करना। सीड बेड का जो हमने एक सबसे फर्स्ट लेक्चर जो लिया था, इंट्रोडक्टरी वाला, जिसमें यूनिट ऑपरेशंस परफॉर्म वाला एक लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सीड बेड क्या होता है। किसी भी सीड को सोविंग करने के लिए जो बेड तैयार किया जाता है फील्ड पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीड बेड बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट होता है वो क्या है आपका, सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए काम आता है। तो ये क्या हो गया आपका हैरो, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। अगर आपके एग्जाम में हैरो का डेफिनेशन वगैरह अगर लिखने आता है तो यहां से आप ये लाइंस लिख सकते हैं। हैरोइंग, इट इज अ सेकेंडरी ट्रिलेज ऑपरेशन विच पल्वराइज स्मूथनेस एंड पैक्स द सॉइल इन सीड बेड प्रिपरेशन एंड कंट्रोल वीड्स। ठीक है, यही चीज यहाँ पर हैरोइंग, जो हैरोइंग एक्शन, हैरो के द्वारा जो एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हैरोइंग बोलते हैं। हैरो आपका इंप्लीमेंट हो गया, और जनरली जो फील्ड में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हैरोइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखा हुआ है, जैसे कि ये एक सेकेंडरी ट्रिलेज इंप्लीमेंट है जो सॉइल को पल्वराइज करता है, स्मूथ करता है और सीड बेड प्रिपेयर करने के काम आता है। और आपका जो वीड्स होते हैं, वीड्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके हैरो होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क हैरो, क्योंकि आगे हम लोग डिस्क हैरो के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो बाकी अदर टाइप के जो हैरो हैं उसका नाम और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट हमारा मेन फोकस किस में होगा, डिस्क हैरो के बारे में, ठीक है ना। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हैरो यूज इन इंडिया, हमारे जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया हो गया, काफी बड़ा हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट साइड जाओगे तो अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट,
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैरो हैं वो यूज होते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैरो हैं उसका जो अलग अलग डिज़ाइन है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल है तो किस सॉइल को कौन सा हैरो सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के जो फार्मर है या फिर वहाँ के जो किसान लोग हैं वो यूज़ करते हैं उसको। तो जो हमारा हैरो है वो टोटली डिपेंड किस पे करता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, जो सॉइल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो वहाँ के फार्मर हैं वो किस टाइप का हैरो यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं कि जैसे कि आपका पहला हो गया डिस्क हैरो, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक हमारा होता है स्प्रिंग टूथ हैरो, नेक्स्ट आपका स्पाइक टूथ हैरो, और ब्लेड हैरो होता है, गुटका होता है, ट्रायंगुलर हैरो होता है, बोडेला होता है, और जिगजैग हैरो हो गया, और भिंडा हैरो, ठीक है ना। बट हम डिटेल में डिस्कस इसके बारे में करने वाले हैं, डिस्क हैरो के बारे में। बाकी का कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसका इमेज देख लेंगे, और जो वर्किंग है हैरो का वो सबका वही है कि जो सीड बेड प्रिपेयर करता है, चाहे कोई भी हैरो हो, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है तो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट जिस पर्पज जो पर्पज फुलफिल करता है, फिर जिस पर्पज के लिए उसको बनाया गया है, तो जो सारे सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है इनका मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है, सीड बेड प्रिपेयर करना और वीड्स को सॉइल के साथ मिक्स करना, जो बिग साइज ऑफ क्लॉट्स है उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्क हैरो के बारे में कि डिस्क हैरो क्या होता है। तो इट इज़ अ हैरो विच परफॉर्म द हैरोइंग ऑपरेशन बाय मीन्स ऑफ अ सेट ऑफ रोटेटिंग स्टील डिस्क, ईच सेट बीइंग माउंटेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट। डिस्क हैरो आर टू टाइप्स डिपेंडिंग अपन द सोर्स ऑफ पावर। अब देखो जैसे कि हमने डिस्क प्लाव के बारे में डिस्कस किया था, तो डिस्क प्लाव में क्या था, डिस्क प्लाव दो टाइप के थे, एक आपका स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ था और दूसरा क्या था आपका वर्टिकल डिस्क प्लाउ। तो जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ था, वर्टिकल डिस्क प्लाउ में क्या था कि जो आपका एक कॉमन शाफ्ट था जिसके ऊपर क्या माउंट था, आपके बहुत सारे डिस्क माउंट थे। तो जो हैरो होता है वो भी उसी टाइप का होता है, एक शाफ्ट होता है जिसके ऊपर जो डिस्क है, नंबर ऑफ डिस्क है वो क्या होता है, माउंट होता है एक कॉमन शाफ्ट के ऊपर, ठीक है ना, डिस्क हैरो में। तो जो कि तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज ए हैरो विच परफॉर्म द हैरोइंग ऑपरेशन बाय मीन्स ऑफ ए सेट ऑफ रोटेटिंग स्टील डिस्क। एक शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे डिस्क माउंट रहते हैं जो कि रोटेट होता है, और जिससे आपका क्या होता है, हैरोइंग एक्शन वहां पर हैरोइंग एक्शन परफॉर्म होगा। ईच सेट बीइंग माउंटेड ऑन ए कॉमन शाफ्ट, जो सेट होता है इट मीन्स जैसे कि एक शाफ्ट में मान लो 5 6 7 जितने भी डिस्क उसमें माउंट है वो एक कॉमन कॉमन शाफ्ट में क्या होगा, माउंट होगा। और जो डिस्क हैरो होता है दो टाइप का होता है, टू टाइप इट मीन्स अकॉर्डिंग टू पावर सोर्स। देखो यहाँ पर कोई भी अगर अपना इम्प्लीमेंट्स होता है या फिर जो मशीनरी होता है उसको क्लासीफाई करने का अलग अलग तरीका होता है। तो एक आपका एक होता है कि आप अकॉर्डिंग टू पावर सोर्स, मतलब उस इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए आप पावर कहाँ से दे रहे हो, या तो एनिमल से पावर दे रहे हो, या ह्यूमन से पावर दे रहे हो, या ट्रैक्टर से पावर दे रहे हो, या पावर टिलर से दे रहे हो। पावर टिलर ट्रैक्टर इट मीन्स इंजन ऑपरेटेड हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपन द पावर सोर्स यहाँ पर डिस्क हैरो को दो टाइप में, मतलब दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो, और सेकंड क्या होता है, एनिमल ड्रॉन डिस्क हैरो। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो के बारे में। अब जैसे कि देखो यहाँ पर पावर सोर्स अगर बोला है, तो इट मीन्स जैसे कि जो ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो है उसमें जो पावर सप्लाई होगा वो किससे होगा, आपके ट्रैक्टर, मतलब जो ट्रैक्टर के पीछे में 3 पॉइंट लिंकेज होता है उससे अपन उसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। और जो एनिमल पावर है तो एनिमल पावर से क्या होगा, जैसे कि उसको एनिमल से हीच करेंगे हम इसको, आपके इम्प्लीमेंट को। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं अपना ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो में। ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो क्या होता है कि जो जो हैरो है, जो डिस्क हैरो, उसको अपन ट्रैक्टर से अगर हीच करते हैं तो वो क्या है आपका, ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो। डिस्क हैरो इज फाउंड वेरी सुटेबल फॉर हार्ड ग्राउंड फुल ऑफ स्टॉक्स एंड ग्रासेस। जैसे कि जो ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो है ये काफी सुटेबल होता है किसके लिए, जैसे कि हार्ड ग्राउंड है। अब जैसे कि कोई मतलब कोई भी ग्राउंड है बहुत हार्ड है, अगर वहां पर आप एनिमल ड्रॉन डिस्क हैरो को लेके जाओगे तो मे बी वहां पर एनिमल से उतना पावर प्रोड्यूस ना हो कि वहां पर हैरोइंग ऑपरेशन हो पाए, ठीक है ना। जैसे फुल ऑफ स्टॉक्स एंड ग्रासेस, अगर ग्रासेस वगैरह ज्यादा हो, स्टैक्स वगैरह ज्यादा हो, तो वहां पर क्या होता है, जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है, ड्राफ्ट रिक्वायर्ड मीन्स जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए थे, ड्राफ्ट क्या होता है, किसी भी इंप्लीमेंट को हीच करने के लिए जो पुलिंग फोर्स चाहिए होता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल में। जैसे कि वहां पर डिस्कस किए थे, वन ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, तो पी क्या था आपका, पुलिंग फोर्स, कॉस थीटा क्या था, जो एंगल एंगल बनता है आपका हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना। तो ये डिस्क हैरो इज फाउंड वेरी सुटेबल फॉर हार्ड ग्राउंड फुल ऑफ स्टैक्स एंड ग्रासेस। इट कट्स द लम्स ऑफ सॉइल क्लॉड एंड रूट्स। किसको क्लॉड करता है, जो सॉइल हो गया, क्लॉड्स हो गया, रूट्स हो, सबको क्या करता है,
कट करने का काम करता है। डिस्क आर माउंटेड ऑन वन टू और मोर एक्सल विच मे बी सेट एट अ वेरिएबल एंगल टू द लाइन ऑफ मोशन। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे इसके इमेज में कि जो डिफरेंट डिफरेंट गैंग, गैंग का मतलब ये होता है कि एक शाफ्ट में बहुत सारे डिस्क अगर माउंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, गैंग बोलते हैं। तो सिंगल शाफ्ट है या फिर दो शाफ्ट है या फिर दो से ज्यादा शाफ्ट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। डिस्क आर माउंटेड ऑन वन टू और मोर एक्सल विच मे बी सेट एट अ वेरिएबल एंगल टू द लाइन ऑफ मोशन, जो कि आपके लाइन ऑफ मोशन से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या करते हैं उसको सेट करते हैं। वहीं पर एक टर्म आएगा गैंग एंगल, जो जब वो आएगा तो मैं बताऊंगा कि गैंग एंगल क्या होता है। As the हैरो इज पुल्ड अहेड द डिस्क रोटेड ऑन द ग्राउंड। जैसे ही आप हैरो को विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर उसको हीच करोगे तो जो डिस्क आपके शाफ्ट के ऊपर माउंट है, एक कॉमन शाफ्ट है उसके ऊपर क्या होता है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो जो ट्रैक्टर डाउन डिस्क हैरो होता है उसको वापस दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक आपका सिंगल एक्शन डिस्क हैरो और एक आपका डबल एक्शन डिस्क हैरो। पहले सिंगल एक्शन और डबल एक्शन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जो सिंगल एक्शन का मतलब हो रहा है कि एक बार एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इट मीन्स जैसे कि अगर आप फील्ड में हैरो को ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो एनिमल ड्रॉन हैरो हो या फिर ट्रैक्टर ड्रॉन हैरो हो, बट यहाँ पर अपन ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो के बारे में बात करते हैं। जैसे सिंगल एक्शन मतलब कोई भी हमारा फील्ड है उसमें अगर आप हैरोइंग ऑपरेशन कर रहे हो तो आपका सॉइल सिर्फ एक बार टर्न होगा। एक बार इट मीन्स या तो वो लेफ्ट साइड टर्न हो या फिर राइट साइड टर्न हो, सिर्फ एक बार टर्न होगा। बट डबल एक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक के पीछे एक दो गैंग लगे होते हैं, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में। तो अगर आपका जो फ्रंट गैंग है, फ्रंट गैंग अगर उसको लेफ्ट साइड पल्वराइज कर रहा है फिर लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है, तो जो रियर गैंग है जो पीछे में जो फिर से वापस जो एक शाफ्ट में जो आपका डिस्क लगा हुआ है वो वापस उसको अगर फ्रंट वाला लेफ्ट साइड में कर रहा है तो जो बैक वाला क्या होगा वो राइट साइड में वापस पल्वराइज करेगा। तो दो बार एक्शन परफॉर्म होगा वहां पर, ठीक है ना। जो सॉइल है आपका उसमें दो बार हैरोइंग एक्शन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, डबल एक्शन। और अगर सिंगल टाइम होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगल एक्शन, ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं अपन सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो। जैसे कि यहां पर सबसे पहले आप इमेज देखो, यहां पर ये क्या है, ये जैसे कि जो मैं बोल रहा था गैंग, जैसे कि ये एक शाफ्ट हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे देखो ऐसे डिस्क माउंट है, तो ये क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। तो जो सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो होता है इसमें क्या होता है, इट इज ए हैरो विथ टू गैंग्स प्लेस इन टू इंड विच थ्रो द सॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे कि देखो ये वाला आपका डिस्क जो माउंट है शाफ्ट में और ये वाला डिस्क माउंट है, इसको देखो इसका दो इंड एक दूसरे के अपोजिट है और इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है। अगर हम इसको ये मान लो जो हमारा क्या है फ्रंट है, अगर हम इसको फ्रंट की ओर हीच करेंगे तो जो ये वाला डिस्क है सॉइल को इस साइड में क्या करेगा, टर्न करेगा, और ये वाला इस साइड में टर्न करेगा। इट मीन्स जैसे कि ये सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो है इसमें जो आपका सॉइल है सिर्फ एक बार पल्वराइज हो रहा है, ठीक है ना, एक बार पल्वराइज हो या फिर सिर्फ सिंगल टाइम क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है वो। या तो जैसे ये वाला है इसको राइट साइड टर्न कर दे रहा है, ये वाला इसको लेफ्ट साइड टर्न कर दे रहा है। तो जो इस टाइप का जो हैरो है इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो। द डिस्क आर अरेंज इन ए सच अ वे दैट राइट साइड गैंग थ्रो द सॉइल टूवर्ड्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड गैंग थ्रो द सॉइल टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। जैसे ये आपको यही चीज में बताया यहां पर कि जो ये राइट साइड का है ये सॉइल को किधर टर्न कर देगा, राइट साइड में, और ये जो लेफ्ट वाला है किधर टर्न कर देगा, आपके लेफ्ट साइड में। तो ये क्या चीज हो गया आपका, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो। सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो बोलो चाहे सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, ये क्या है आपका जो ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। डबल एक्टिंग डिस्क हैरो मतलब जो आपका दो बार होगा उसमें, जैसे कि ये पहला डायग्राम देखो इसमें क्या था, सिर्फ अगर ये हमारा फ्रंट है अगर आपको इसको इधर हीच करके लेके जाओगे तो ये इसको राइट साइड टर्न करेगा सॉइल को और ये लेफ्ट साइड टर्न कर देगा, मतलब एक ही बार एक्शन परफॉर्म हुआ। बट जो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो होता है तो डबल एक्टिंग डिस्क हो रहा है उसमें दो बार एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। मतलब दो गैंग लगे होते हैं, एक जैसे कि यहां पर देखो सिर्फ एक ही गैंग है ना, तो इसके पीछे और गैंग लगा होगा, ठीक है ना। डबल एक्शन जो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो इसमें, अ डिस्क हैरोइंग कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर गैंग्स इन विच अ सेट ऑफ वन और टू गैंग्स फॉलो बिहाइंड द सेट ऑफ द अदर वन और टू, ठीक है ना। जो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो उसमें क्या होता है कि या तो एक गैंग के पीछे दूसरा गैंग लगे रहेगा, या फिर जो हम पहले में सिंगल एक्टिंग वाला जो डायग्राम देखे थे उसमें क्या था आपका,
दो गैंग लगा होता है, तो उस दोनों गैंग के पीछे वापिस से दो गैंग और लगे होंगे, ठीक है ना। अरेंज इन ए सच अ वे दैट द फ्रंट एंड बैक गैंग्स थ्रो द सॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन, दस द इंटायर फील्ड इज वर्क ट्वाइस इन ईच स्ट्रिप। इसको इस टाइप से अरेंज किया जाता है कि अगर जो फ्रंट वाला जिस साइड में भी आपका सॉइल को पर्वराइज कर रहा है, उसके रियर वाला है जो उसके पीछे में जो लगा है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में उसको क्या करेगा, पल्वराइज करेगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि अब आप जो इंटायर फील्ड है उसको अगर एक बार आप हैरोइंग करते हो, तो एक बार हैरोइंग कर रहे हो तो एक सिंगल टाइम में क्या होगा, आपके सॉइल पे क्या होगा, दो बार हैरोइंग का ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका, डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। तो जो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो है जो डबल एक्टिंग डिस्क है उसको अगेन दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका टैंडम डिस्क हैरो और सेकंड क्या हो गया आपका, ऑफसेट डिस्क हैरो। तो ये हो गया जो इसके बारे में है, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो दो टाइप के डिस्क हैरो हो, टैंडम डिस्क हैरो हो गया, ऑफसेट डिस्क हो रहा क्या हो गया। आज हमने देखा कि सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो है, तो सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो में क्या होता है कि जो आपका एक बार ही उसमें क्या होगा, सॉइल टर्न होगा, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो कहते हैं। और इससे पहले जो हैरो का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैरो देखे, उसमें से मेन हमारा जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, किसके बारे में, डिस्क हैरो के बारे में, जिसमें दो टाइप था, एक आपका एनिमल ड्रॉन डिस्क हैरो और सेकंड क्या था, ट्रैक्टर ड्रॉन। तो जो ट्रैक्टर ड्रॉन को फिर हम लोग क्लासीफाई किए थे सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो और डबल एक्टिंग डिस्क हैरो में, जिसमें से सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, डबल एक्टिंग डिस्क हैरो, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।